नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मल्टीबैगर स्टॉक में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 स्मॉल कैप हाई CAGR वाले स्टॉक। पहला स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे उसने लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 40% CAGR के रिटर्न बना के दिए हैं। सेकेंड रिसेंटली लिस्टेड है, थर्ड भी रिसेंटली लिस्टेड है, लेकिन ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी अच्छे खासे इन दोनों के दोनों ने रिटर्न बना के दिए हैं लास्ट 6 मंथ में। फोर्थ स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हो फोर्थ स्टॉक ने लगभग लास्ट 10 ईयर्स में 29% CAGR के रिटर्न बना के दिए हैं। और जो हमारा फिफ्थ स्टॉक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसने लास्ट 3 ईयर्स में 105% CAGR के रिटर्न बना के दिए हैं, 5 ईयर्स में लगभग 43 और लास्ट 10 ईयर्स में 53% के रिटर्न बना के दिए हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है और इसीलिए दोस्तों हमने इसे लास्ट में रखा है, वरना वीडियो को फटाफट चला चला के इस स्टॉक को स्किप कर देते। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा सबसे पहला स्टॉक जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम की मैं दोस्तों बात बताऊं तो आप देख सकते हो लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 439% के रिटर्न बना के दिए हैं और ये ऊपर से आपको हल्के फुल्के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जो इसका 52 वीक हाई आप देख सकते हो लगभग 5000 के आसपास इसका 52 वीक हाई देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है दोस्तों ये, और इसके जो रिजल्ट हैं वो भी इसी स्टॉक की तरह परसिस्टेंट है, लगातार अच्छे जंप उनके प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। हल्की फुल्की डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है कंपनी। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इतने अच्छे रिटर्न होने के बाद भी इसकी पीई काफ़ी नीचे देखने को मिलेगी, 35 की पीई आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, गिरी दोस्तों 35। चलिए हल्का फुल्का जानते हैं कंपनी के बारे में। मार्केट कैप आप देख सकते हो 27,000, तो आप अभी स्मॉल कैटेगरी में ही से रखेंगे। करंट मार्केट प्राइस 52 वीक हाई, स्टॉक की पीई जो हम डिस्कस कर चुके हैं, डिविडेंड हल्का फुल्का देती है कंपनी। अब देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग, 31.3% के पास प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाएगी आपको। डेप्थ हल्की फुल्की है तो काफ़ी कम है। अब देख लेते हैं 3 मंथ्स के रिटर्न, 3 मंथ्स में लगभग 4.56% के रिटर्न बना के दिए हैं और लास्ट 6 मंथ्स में -24.6%। जैसे कि आपको पता है पूरा का पूरा आईटी सेक्टर में डिस्काउंट अवेलेबल है, तो ये कंपनी भी आपको डिस्काउंट पे अवेलेबल है। लास्ट वन ईयर में लगभग 4.53 और उसके बावजूद भी आप देख सकते हो लास्ट 3 ईयर्स में 83.4% CAGR के रिटर्न। आप देख सकते हो दोस्तों इतनी गिरावट होने के बावजूद भी आपको 83.4% CAGR के रिटर्न मिल रहे हैं, 5 ईयर्स में 40.5 और लास्ट 10 ईयर्स में लगभग 32.4। काफ़ी ज़बरदस्त माना जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। मैं आपको दोस्तों रिजल्ट नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हमें 5 स्टॉक डिस्कस करने हैं। अगर रिजल्ट देखेंगे कंपनी की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये जो सारे के सारे स्टॉक हैं मेरे खुद के, इन सब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, तो आप बेइज्जत होकर इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के बारे में जानना चाहिए पूरी डिटेल में, क्योंकि आप मान लो आप मोबाइल भी खरीदने जाते हो या कुछ भी सामान खरीदने जाते हो तो आप पहले उसके बारे में रिसर्च करते हो काफ़ी, उसके बाद ही कोई चीज़ परचेज करते हो। सेम आपको वो स्ट्रेटजी स्टॉक के अंदर अप्लाई करनी चाहिए। किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको अपनी पूरी रिसर्च करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए उसका जो रिजल्ट है वो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस आपको बढ़ते हुए क्रम में नज़र आने चाहिए, और जो प्रमोटर होल्डिंग है ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग उस कंपनी के अंदर होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जिसका नाम है डेटा पैटर्न। और डेटा पैटर्न की बात करें तो रिसेंटली ही इसकी लिस्टिंग हुई है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 24 दिसंबर 2021, तो लगभग 1 साल कंपनी को होने वाला है। और अगर 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 59% के रिटर्न 1 ईयर में इसने स्टॉक ने बना के दिए हैं। स्टॉक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, छोटी मार्केट कैप वाला ये स्टॉक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 6,000 करोड़ की ये मार्केट कैप रखता है। करंट मार्केट प्राइस 1205, स्टॉक की पी 64 देखने को मिल रही है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों ROCE काफ़ी ऊपर देखने को मिलेगी, 33 और ROE 24, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त मानी जाएगी। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 45.6 है, डेप ना के बराबर है, 9 करोड़ है केवल। और 3 मंथ्स के रिटर्न की बात करें जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के बारे में, 3 मंथ्स आप देख सकते हो 3 मंथ्स में लगभग 70% के रिटर्न बना के दिए हैं, ज़बरदस्त। और अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में लगभग 46.8% के रिटर्न बना के दिए हैं, तो ये भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी नज़र आ रही है। और अगर आप चाहते हो कि स्मॉल कैप जो कि आपको भविष्य में ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए दे, तो आप डेटा पैटर्न के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है फेयर कैम ऑर्गेनिक। ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और आप सब लोगों को पता है कि जो आने वाले 4-5 साल है वो केमिकल सेक्टर से होने वाले हैं, और जो 5 साल जो गुजर गए वो भी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते थे क्योंकि चाइना प्लस वन
जो स्ट्रैटेजी चल रही है वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है हम सब लोगों के लिए, इंडिया वालों को बहुत फ़ायदा मिला उस चीज़ का। फेयर चैम ऑर्गेनिक की बात करें तो आप देख सकते हो इसकी लिस्टिंग जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 24 दिसंबर 2020, तो लगभग 2 साल होने को आए हैं। और 2 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 233% के रिटर्न इस स्टॉक ने भी बना के दिए हैं। और अभी भी आपको स्टॉक देखने को मिलेगा लगभग 52 वीक हाई के आसपास ही आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। चलिए थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जानते हैं। मार्केट कैप काफ़ी छोटी मार्केट कैप है, 2,824 करोड़ की मार्केट कैप है केवल इसकी। आप देख सकते हो लगभग 52 वीक हाई के आसपास ही ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का जो मेन काम है वो है ओलियो केमिकल के अंदर, 99% ओलियो केमिकल के अंदर कंपनी काम करती है। स्टॉक पी आप देख सकते हो लगभग 38.9, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी हायर साइड है लगभग 58.9 की। 3 मंथ्स के रिटर्न की बात करें तो देख सकते हो लगभग 42% के हैं, 6 मंथ में लगभग 31% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे, और 1 ईयर में लगभग -3.27% के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं। हल्का फुल्का डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है कंपनी, और डेप्थ हल्की फुल्की है, ज़्यादा नहीं है, लोअर साइड ही है डेप्थ इसकी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जिसका नाम है कोफोर्ज। ये भी आईटी सेक्टर से दोस्तों बिलोंग करता है, और अगर लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट 5 ईयर तो नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले कंपनी का नाम होता था कुछ NIIT टेक्नोलॉजीज, और उसके बाद इन्होंने नाम चेंज करके कोफोर्ज कर लिया था। तो आप देख सकते हो इसके लास्ट वन ईयर में आपको मिलेगी है डिस्काउंट के अंदर -33.57 का डिस्काउंट मिल रहा है। और जब से ये कोफोर्ज में तब्दील हुई है 31 अगस्त 2020 से, तो आप देख सकते हो उसके बाद लगभग 82.40% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिए हैं। तो आप मोटा मोटा लेके चल सकते हो 2 साल के अंदर अंदर लगभग 82.40% के रिटर्न बना के दिए हैं। हालांकि जो स्टॉक है ये काफ़ी डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है, इसका 52 वीक हाई आप देख सकते हो 5,645 का देखने को मिला था, और उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक के अंदर हो चुकी है, और उसके बावजूद भी लगभग 82% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिए हैं। कोफोर्ज के बारे में जान लेते हैं, मार्केट कैप 22,000 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिल जाएगी। स्टॉक की पी काफ़ी लोअर साइड है लगभग 32.1, ROC लगभग 32 की देखने को मिलेगी, ROE 25 काफ़ी हायर साइड है। अगर 20 से ऊपर कोई भी ROC और ROE होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है उसे। और कंपनी के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टॉप 20 इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है ये कंपनी, तो आप समझ सकते हो कि इतनी ज़बरदस्त इसने रिटर्न बना के दिए होंगे लास्ट जो इसके जब से ये कंपनी लिस्टेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट जो 10 ईयर की जो इसके रिटर्न है वो देख सकते हो लगभग 30% के रिटर्न इसने लास्ट 10 ईयर्स में बना के दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है NIIT टैक के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर 10 ईयर्स के रिटर्न देखने को मिल रहा है लगभग 29%। मेन बिजनेस जो कंपनी का है वो है UK, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी, थाईलैंड, इन सारे जो कंट्री हैं इनसे इनका बिजनेस आता है। तो आपको जैसे कि मालूम है कि अमेरिका में अच्छा खासा एक रिसेशन वाला टाइम चल रहा है, तो उसकी वजह से इनके भी जो प्रॉफिट हैं वो काफ़ी गिरे हुए हैं, जिसका फ़ायदा हम लोग अभी उठा सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक है आपको लगभग 31% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 1 ईयर में आप देख सकते हो इसके लगभग -31.7% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। 3 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो लगभग 37.8, और 5 ईयर्स में लगभग 45% के रिटर्न बना के दिए हैं। इतनी भारी गिरावट होने के बाद भी आप देख सकते हो दोस्तों लगभग 45% CAGR के रिटर्न इसने लास्ट 5 ईयर्स में बना के दिए हैं। प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो लगभग 40 की आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं अपने लास्ट और जो फाइनल स्टॉक जिसकी हमने बात की थी, जिसका नाम है दोस्तों APL अपोलो ट्यूब। और मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो को आगे पीछे करके देख रहे होंगे, और आप लोगों ने इसका नाम पहले ही देख लिया होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर हम इसके 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में देख सकते हो 500% के रिटर्न इसने लास्ट 5 ईयर्स में बना के दिए हैं। हर साल ही आपके पैसे को डबल करता हुआ चला जा रहा है। APL अपोलो की बात कर लेते हैं, APL अपोलो ट्यूब्स के बारे में देख सकते हो आप, मार्केट कैप जो इसकी है वो लगभग 28,470 के आसपास इसकी मार्केट कैप देखने को मिल जाएगी आपको। करंट मार्केट प्राइस 1137, जो कि अपने 52 वीक हाई के आसपास ही आपको देखने को मिल रही है। आज कंपनी ने अपना 52 वीक हाई टच किया था, और उसके बाद इसमें हल्की सी गिरावट हुई। तो आप समझ सकते हो दोस्तों अभी भी अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है तो फंडामेंटली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर होगा। स्टॉक की पी देख सकते हो लगभग 55 की देखने को मिल जाएगी, ROC काफ़ी ऊपर है 34.7, ROE 28.3, डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है स्मॉल कैप कंपनी है हालांकि ये। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो लगभग 34.5, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 28.2,
और अगर 3 मंथ्स के रिटर्न की बात करें तो लगभग 30% के रिटर्न 3 मंथ्स में बना के दिया है इस स्टॉक ने, 6 मंथ में लगभग 13.2 और 1 ईयर में अगर बात करें तो लगभग 34.5% के रिटर्न ये ऑलरेडी बना के दे चुकी है। हमने जैसे देखा पुरानी जो कंपनियां थी लगभग सभी के 1 ईयर के जो रिटर्न थे वो नेगेटिव में देखने को मिल रहे थे और इस स्टॉक के रिटर्न आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं वो भी लगभग 34.5% के। 3 मंथ्स के CAGR के रिटर्न की बात करें तो देख सकते हो 105 जबरदस्त, और अगर लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो लगभग 43.5 और लास्ट 10 ईयर्स में 52.8% के हिसाब से इसने रिटर्न बना के दिए हैं, जबरदस्त दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी हमारी 5 स्मॉल कैप स्टॉक, हालांकि हमने इन सबको डिटेल में डिस्कस नहीं किया, अगर आप चाहते हैं इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करें तो आप उस कंपनी का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उस कंपनी को हम डिटेल में इसके रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त स्टॉक हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।